हेलो फ्रेंड्स, किरण क्रिएटिव क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अलग अलग कलर के कतरन से ऐसा डोरमेट बनाने सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इसको पूजा आसन के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, चारों साइड पाइपिंग सिलाई करी हूँ। फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डोरमेट बनाने शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सिलाई करने के बाद देखिए इस तरह का बहुत सारा कतरन बच जाता है। इसका यूज करके आज मैं डोरमेट बनाने सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, देखिए कतरन से ऐसा छोटा छोटा पीसेस कटिंग कर लेना है। देखिए, इसका चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 6 इंच। सभी पीसेस का लंबाई चौड़ाई सेम है। देखिए, इसमें से एक पीस लेंगे, इसके ऊपर दूसरा पीस रखकर इस तरह से सिलाई लगा देना है। सेम इसी तरह से एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखकर इसी तरह सिलाई लगा देना है। बाकी सभी पीसेस में इसी तरह सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, सभी पीसेस को इस तरह से सिलाई कर ली हूँ। इसके बाद एक ऐसा अस्तर लेंगे, आप यहाँ कोई सा भी अस्तर ले सकते हैं, पुराने पैंट का या पुराने सलवार का। इसके बाद अस्तर के ऊपर एक पीस रख कर चारों साइड से सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, अस्तर सिलाई कर ली हूँ, सारे पीसेस में अस्तर सिलाई कर ली हूँ। देखिए, मैं यहाँ टोटल 9 पीसेस बनाई हूँ। आपको जितना बड़ा डोरमेट बनाना है उसके अनुसार आप पीसेस ले सकते हैं। इसके बाद एक ऐसा कपड़ा लेंगे, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। इसको पीस के ऊपर इस तरह से रख कर सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कपड़े को सिलाई कर लेना है। देखिए, सिलाई कर लिए। इसके बाद दूसरा पीस लेंगे, कपड़े के ऊपर दूसरा पीस रखकर दूसरे पीस में इस तरह से सिलाई लगा देना है। देखिए, सिलाई कर लिए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद दूसरा पीस लेंगे और एक ऐसा कपड़ा लेंगे, कपड़े को इस तरह रख कर यहाँ से सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को इस तरह से सिलाई लगा देना है। इसके बाद दूसरा पीस लेंगे, इसके ऊपर बराबर रखकर यहां से सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई कर लिए। देखिए, 3 पीस को सिलाई करके एक रो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद दूसरा रो बनाएंगे, इसमें भी 3 पीस रखकर सेम इसी तरह से सिलाई कर लेना है। इसके बाद तीसरा रो बनाएंगे, इसमें भी सेम इसी तरह से 3 पीस रखकर सिलाई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, तीनों रो सिलाई करके कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद एक रो लेंगे, इसके ऊपर दूसरा रो रखकर इस तरह से सिलाई लगा देना है। फिर इसी तरह तीसरे रो को दूसरे रो के ऊपर रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, तीनों रो सिलाई करके कंप्लीट कर ली हूँ।
इसके बाद इसका बेस बनाएंगे। इसके लिए मैं कैरी बैग ली हूँ। आप यहाँ पर कोई सा भी पुराना कपड़ा यूज कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। इसके बाद बेस के ऊपर इसको रख लेंगे। देखिए इधर से बेस थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। यहाँ पर दूसरे कैरी बैग से छोटा सा पीस कटिंग करके यहाँ सिलाई कर लेना है। देखिए दूसरे कैरी बैग सिलाई कर ली हूँ। देखिए इसके ऊपर इस तरह से रख कर चारों साइड से सिलाई लगा देना है और जो एक्स्ट्रा कैरी बैग है उसको कटिंग करके निकाल देना है। देखिए फ्रेंड्स चारों साइड से सिलाई कर ली हूँ। इसके बाद एक ऐसा कपड़ा लेंगे, इसकी चौड़ाई है 2 इंच। देखिए कपड़े को दोनों साइड से इस तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर रखकर इस तरह से सिलाई लगा देना है। सेम इसी तरह से दूसरा पीस यहाँ रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद इसमें पाइपिंग सिलाई करेंगे। इसके लिए ऐसा 4 पीस कपड़ा लेंगे। देखिए इसका चौड़ाई है 2 इंच। चारों पीसेस का चौड़ाई सेम है। पाइपिंग को चारों साइड इस तरह से रखकर सिलाई करना है। इसके बाद एक पीस लेंगे और इस तरह से इसको रखकर सिलाई लगा देना है। देखिए सिलाई लगा दी हूँ। इसके बाद कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा देना है। देखिए दूसरी साइड भी कपड़े में सिलाई लगा दी हूँ। इधर भी थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। देखिए इस साइड पाइपिंग सिलाई कर ली हूँ। इसके बाद दूसरी साइड पाइपिंग सिलाई करेंगे। देखिए कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके और इस तरह से रखकर यहाँ तक सिलाई लगा देना है। इधर भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा देना है। फ्रेंड्स देखिए चारों साइड से पाइपिंग सिलाई कर ली हूँ। इस तरह से डोरमेट बनकर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स मेरा डोरमेट पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।